अगर कोई कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान समुद्र में गिर जाए तो क्या होता है, चलिए जानते हैं। खराब मौसम होने के कारण अक्सर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से अक्सर शिपों से कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं, और शिपिंग कंटेनर वास्तव में वाटरप्रूफ नहीं होते और यही वजह है कि वे पानी में गिरते ही डूब जाते हैं। हालांकि यह बताना बहुत मुश्किल है कंटेनरों को समुद्र में डूबने के लिए कितना समय लगता है, यह कंटेनर के अंदर कार्गो के प्रकार और कंटेनर की सामग्री पर निर्भर करता है। हालांकि कुछ ऐसे कंटेनर्स भी हैं जो 15 महीनों तक तैरने के लिए समुद्र में जाने जाते हैं, और कुछ ऐसे कंटेनर्स भी हैं जो समुद्र की सतह छूते ही तुरंत समुद्र की गहराइयों में समा जाते हैं। हल्के और कम घनत्व वाले शिपमेंट ले जाने वाले कंटेनर आमतौर पर लंबे समय तक तैरने के लिए जाने जाते हैं और यह तैरते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।